हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिस्टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके ओप्पो F5 में यदि इसमें कोई सा भी आप ईयरफोन कनेक्ट कर रहे हैं, या तो उसमें लेफ्ट काम कर रहा है या फिर राइट काम कर रहा है, दोनों में से अगर एक काम कर रहा है और इस प्रॉब्लम को सिर्फ हम एक जम्पर की मदद से किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें आपको जम्पर के साथ साथ आपको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने वाला हूँ कि इस जम्पर की मदद से हमारी प्रॉब्लम क्यों सोल्व हो जाती है, उसका कारण भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बिना किसी तरीके से अपना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को जाकर एक बार जरूर चेक कर लेना यार, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर हर तरह का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक से एक बढ़कर आपको हर मोबाइल में आने वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर इन वीडियो से आपकी कुछ हेल्प होती है तो यार चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों कमेंट भी कर देना, ताकि इसी तरह वीडियो बनाने के लिए हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जम्पर कहाँ पर लगाना है, तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा इसका ईयरफोन का ये वाला कनेक्टर। तो दोस्तों देखो, जम्पर लगाने से पहले मेरी बात को पूरा सुने, ठीक है, पूरा ज़रूर सुने। यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये वाला पॉइंट है वो तो है हमारे ईयरफोन का लेफ्ट साइड का, ठीक है, और ये है हमारे ईयरफोन का राइट साइड का, मतलब हमारे ईयरफोन के अंदर जो राइट साइड का स्पीकर होता है उसकी लाइन ये वाली रहती है। तो जब आप इन दोनों को शॉर्ट करोगे तो यहाँ पर आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। कहने का मतलब आपको ये वाला जम्पर लगाना है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत कुछ अच्छा चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इन दोनों पॉइंट को जब शॉर्ट करोगे तो हमारा ईयरफोन में दोनों काम करने लगेंगे। क्यों काम करने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक स्पीकर की सप्लाई दोनों स्पीकर को अगर दे दी जाए तो यहाँ पर दोनों स्पीकर चलने लगता है। और दोस्तों, इसकी एक साइड इफ़ेक्ट क्या है वो मैं आपको बताऊँ। देखो, आप खुद सोचिए, जब हम एक इंसान का खाना जब दो इंसान में बांट दे तो उसमें दोनों में उतनी ताकत नहीं रहेगी जितनी एक में होनी चाहिए, ठीक है, दोनों में बट जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर जो एक स्पीकर में जो वॉल्यूम आना चाहिए, वैसे तो आता है, इतना कोई फ़र्क नहीं रहता, लेकिन जो बेस आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, फिर भी आ जाता है, लेकिन उतना